सावन में हरियाली तीज को लेकर के मेहंदी के अलग अलग ट्रेंड बाज़ार में देखे जाते हैं, लेकिन जो जनजाति समाज है और जहाँ पर आदिवासी और वनवासी रहते हैं, ऐसे इलाकों में मेहंदी के ट्रेंड भी अपने अलग तरह के हैं। जैसे मंडला और सरगुजा का जो गोदना आर्ट है, ये अब मेहंदी के रूप में ट्रेंड कर रहा है। लोग इस आर्ट को, मंडला आर्ट और गोदना आर्ट, जो पहले शरीर पर और कपड़ों पर बनाई जाती थी, अब उस आर्ट की मेहंदी बनाई जा रही है। यहाँ पर अंबिकापुर के जन शिक्षण संस्थान में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाएं इसको सीख चुकी हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हाथ में ये जो डिज़ाइन आपको मेहंदी के रूप में दिख रही है, ये असल में गोदना आर्ट और मंडला आर्ट से बनाई गई है। और ये सभी जो महिलाएं हैं, ये इस आर्ट को सीख चुकी हैं और ये अपने हाथ में और औरों के भी हाथ में इसको लगा रही हैं। ये बताइए, ये आर्ट जो आप सीख रही हैं, क्या जानती हैं गोदना आर्ट और मंडला आर्ट के बारे में? सर, ये जो गोदना आर्ट है, ये राजवाड़ी समाज शुरू से लेकर चला आ रहा है, जो परंपरागत चली आ रही है। ये सर शरीर में बनाया जाता है, हाथ में, पैर में, पीठ में, कमर में, ये हो गया गोदना आर्ट। और जो मंडला आर्ट है सर, ये कपड़ों में बनाया जाता है, दीवारों पे बनाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है सर। आप लोग इसको जो सीख रहे हैं, तो इससे मेहंदी में इसका ट्रेंड क्यों? सर, ये फैशन चल रहा है अभी। जैसे टैटू बनवाया जाता है, कहीं भी बनवाया जाता है, तो सर मेहंदी में लोग इसको पसंद करते हैं। ये पुराना परंपरा है सर, जो चली आ रही है, और फैशन तो कभी बदला नहीं है, पुरानी फैशन दोहराई जाती है, चली आ रही है। ये बताइए, कैसा है ये फैशन में, कैसा है आपकी जो पुरानी परंपरा है गोदना और ये मंडला आर्ट, ये कैसा लग रहा है फैशन के रूप में? फैशन के रूप में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले का बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो पहले के कल्चर में अच्छा लगता था। आजकल का क्या है कि फैशन में ये आ गया है कि सबको गोदना के बदले में टैटू बना रहे हैं, और प्लस में अभी मेहंदी भी का फैशन चल गया है, तो वो सब चीज़ें थोड़ी डाउन हो गई हैं। कल्चर जो अपन लोगों का है वो चले गया है, और अभी फैशन में मेहंदी चल रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है जो पहले का कल्चर है वो। देखिए, तो जो महिलाएं हैं वो अपनी जो संस्कृति है उसके संरक्षण को लेकर के भी उत्साहित हैं, ताकि क्योंकि फैशन के दौर में जब पुरानी चीज़ों को उसमें समाहित कर दिया गया है, तो एक बार फिर से जो पुरानी कला है गोदना आर्ट जैसी, वो फिर से ट्रेंड में है। शिक्षण संस्थान के प्रमुख हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये जो आप लोग सिखा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्या प्रशिक्षण? इसमें सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो रही है, जो जैसे हम लोग गोदना कला लें या मंडला कला लें, ये क्या है, मंडला कला जो पूरे ब्रह्मांड को दर्शाती थी, जो बौद्ध कला, बौद्ध को मानने वाले लोग थे, अनुयायी थे, वो उसको मानते थे। हमारे यहाँ जो गोदना कला जो है, गोदना कला जो ऐसा होता था कि वो जो पहले जो लोग थे, जो राजा महाराजा लोग रहते थे, जो अपने गले में सोने जेवर का पहनते थे, तो जो ट्राइबल एरिया के लोग थे या जो उसके नीचे के लोग थे, वो क्या करते थे कि उसमें उसी को देख के वो चित्रकारी करते थे। तो हमारे यहाँ जो सरगुजा के क्षेत्र में रजवार समाज के लोग थे, तो रजवार समाज के लोग इसको करके इसको बनाना चालू किए, तो उसको कपड़े में उकेरते थे। उसके बाद कपड़े के साथ साथ ये जो है मेहंदी के रूप में हम लोग ने यहाँ किया कि ये जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ सीख रही मंडला कला की, मंडला से संबंधित जो है, मंडला की जो आर्ट है और गोदना जो आर्ट है, इसको इन्होंने पहली बार ट्रेडिशन के रूप में रखा है, जिससे कि ये आत्मनिर्भर बने। जैसे अभी एक जो कोई भी महिला है, हमारे यहाँ जो ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज होते हैं उसमें मेहंदी के भी होते हैं, जैसे रुकमणी जी हैं, वंदना जी हैं, ये सब रिसोर्स पर्सन के रूप में हैं। तो ये क्या करती हैं कि उस बच्चियों को या उस महिलाओं को सिखाती हैं जो गृहिणी हैं, वो कुछ काम नहीं करती हैं, मतलब अपने घर में रहती हैं, उनका जीविकोपार्जन कैसे चले और अपने आप को बिजी कैसे रहते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग आते हैं, लगाने के लिए आते हैं, तो बच्चियां लगाती हैं, कोई बुलाने सावन के समय पर जाते हैं, अभी राखी का सीजन है। तो ये सबका लाभ इन सभी को मिलेगा, और ये लाभ मिलने के साथ साथ ये आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और कुछ पैसे कमा रहे हैं, अपने घर में आर्थिक रूप से मदद भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो जो मंडला आर्ट और गोदना आर्ट की कला है, इसको संरक्षण के लिए जन शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और इसके पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं वो स्किल्ड होकर के मेहंदी लगाने की कला सीख सकें, और गोदना आर्ट और मंडला आर्ट जैसी कला जो आम तौर पर आपको बाज़ार में नहीं मिलेगी, ऐसी कला को सीख करके ये आत्मनिर्भर बन पा रही हैं। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।